युवाओं के लिए क्या है। अब देखिए मेरी बात, यूपीटर पॉलिसी का कैलेंडर आया हुआ था, सरकारी टीचर की वैकेंसीज की इन्होंने बात कही थी चुनावों से पहले, यूपीएस जो अपने कांस्टेबल है 26,000 पदों की टेंडर प्रक्रिया चल रही है, यूपी लेखपाल का मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा जा, यूपीएसआई का अधियाचन 950 पदों का मंजूर हो चुका, पहले पुलिस वाली जॉब कह देता हूं। तो देखो 26,382 का टेंडर चल रहा है, 15 मार्च लास्ट डेट है, अप्रैल तक फॉर्म आ जाएंगे, अप्रैल तक की उम्मीद है यूपीएसआई की परीक्षा की भी वो शुरू हो जाएगी, 950 नई वैकेंसी, हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ जाए, काम तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा क्योंकि 2024 में 2 साल बाद फिर चुनाव है, ये 6 महीने ऐसे गुजर जाएंगे, 9 महीने फिर 1 साल और फिर तुरंत मार्च में क्या जाएंगे, अगले साल चुनाव आ जाएंगे 2024 में, तो गवर्नमेंट काम करेगी और करने में ये जो गवर्नमेंट जॉब है इनका बहुत अहम रोल होता है। तो ये वैकेंसी जो यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर था उस पर जोर रहेगा कि वो अपना कैलेंडर पूरा कराए। तीसरी तरफ टीचिंग हमारा क्या कर्तव्य होगा, अगर आप गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दोगे कि बाबा मतलब एकदम सब कुछ बहुत बढ़िया कर देंगे तो ऐसा नहीं होने वाला, आप लोगों को खुद को बार बार ये चीज याद दिला देनी होगी सरकार को उनका वादा कि आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से वादा किया था और आप इसे अतिशीघ्र अतिशीघ्र पूरा कीजिए। तो ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ट्विटर पे तो तुरंत रेस्पॉन्स आता है, आपको योगी जी ने जो वादा किया युवाओं से वो वादा याद कराना होगा। दूसरी बात, सरकार को यह भी सोचना होगा उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के अलावा और इंप्लॉयमेंट रोजगार के साधन कैसे विकसित करें, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सरकार अगर काम करे तो कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर बनना हो, चाहे एयरपोर्ट का आना हो, चाहे फूड पार्क हब बनने हो, अगर गवर्नमेंट को सही दिशा निर्देश देने वाला और उनकी जो मंशा है वो अच्छी रही तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी इतने सारे सेक्टर उत्तर प्रदेश में विकसित हो सकते हैं कि जहां लाखों करोड़ों लोगों को अपना दाना पानी, अपना रोजगार प्राप्त हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो अब बेरोजगारी को कैसे घटाना है यह भी इनके लिए चुनौती रहेगी अगले 1.5-2 साल, नहीं तो यही जो बेरोजगारी है, महंगाई भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है अभी आपको 2-4 दिन में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और भी चीजों की महंगाई बढ़ेगी, 1 साल में और ज्यादा हो जाएगी। तो जब 2024 में लोग खड़े होंगे चुनावों के लिए तो इनके सामने पार्टी तो कोई बड़ी नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस का तो सत्यानाश हो चुका, सपा को लोग केंद्र में उतना ज्यादा वो नहीं देंगे जो क्षेत्रीय पार्टी होंगी। हाँ, बंगाल से टीएमसी आ सकती है, तेलंगाना से टीआरएस आ सकती है, इधर से उनकी जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस आ सकती है, डीएमके की आ सकती है, तो छोटे छोटे जो राज्य हैं, रीजनल, लेकिन जो हिंदी बेल्ट है ये पूरी की पूरी हिंदी बेल्ट और इधर गुजरात, यहां महाराष्ट्र, यहां से फिर भी लोग एक केंद्रीय पार्टी, मजबूत पार्टी को चुनकर भेजते हैं। तो अभी तो सत्ता में कोई नहीं है विपक्ष में, एक हो सकता है कि केजरीवाल जी 2 राज्य जीते, फिर 2-3 राज्यों में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, अगले साल फिर 1-2-3 राज्यों में चुनाव है, अगर वहां कुछ कर पाते हैं और 7-8 राज्यों में अगर सरकार बन जाती है तो वो एक मजबूत कंटेंडर बाकी रीजनल पार्टी के साथ एक बनाकर हो सकते हैं। फिर भी लेकिन बाद में जनता एक मजबूत को चुनेगी, अब ये कांग्रेस तो ऊपर है को खुद को मजबूती कैसे दे, ये सारी की सारी चीजें। मगर सरकार के पास एक दिक्कत जरूर होगी कि महंगाई और बेरोजगारी इनको कंट्रोल में कैसे रखे जो 2024 में मतदाता के सामने दोबारा जा सके। समझे मेरी बात? हां, अगर उसके सामने कोई पार्टी नहीं रही, उसके सामने गवर्नमेंट के सामने कोई मजबूत नहीं रहा कि 2024 में कौन खड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है महंगाई और बेरोजगारी को भी कम करने की उसे जरूरत नहीं है क्योंकि कोई पूछने वाले नहीं है, इंसान वोट देगा तो एक ही है, एक ही है तो फिर वोट उसी को देके जाएगा। दूसरी बात,